हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज बनाते हैं एगलेस होल व्हीट बनाना एंड वॉलनट केक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ प्रेप वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे में ले रही हूँ जिसमें मुझे केक को बेक करना है। इसको मैं ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हर तरफ से मैं फैला लूंगी, बेस पे भी और इसके साइड्स में भी। अच्छे से फैला देने के बाद एक्सेस आटा डस्ट ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए। साथ ही साथ मैंने अवन प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसे भी गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए साथ ही साथ प्रीहीट होने के लिए। ये हमारी बेकिंग ट्रे रेडी हो गई है। अब मैंने 1/3 कप वॉलनट्स, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसमें मैं आधा चम्मच गेहूं का आटा अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं इन्हें केक बैटर में मिलाऊं तो ये नीचे सिंक ना करे, नीचे बैठ ना जाए। इसको भी किनारे रख देते हैं। अब एक दूसरे बड़े से बोल में ड्राई इंग्रीडियंट्स हम छान लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1/8 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। इन सब चीजों को अच्छे से छान लेंगे। ये भी हो चुका है, इसको किनारे रख देते हैं अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लेंडर जार और 2 लार्ज ओवरराइप बनानास। अगर आपके छोटे बनानास हैं तो आप 3 बनानास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको काट के मैं इस ब्लेंडर जार में डाल दूंगी। अगर ओवरराइप बनानास नहीं है तो आप रेगुलर बनानास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट दैट ओवरराइप जो केले होते हैं वो ज्यादा स्वीट होते हैं और ज्यादा टेस्टी उनका केक बनता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 कप गुड़। मीठा आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये कितने स्वीट आपके केले हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। और 1/2 कप थिक कर्ड। इन सब चीजों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और ये ब्लेंडेड मिक्सचर इस बड़े से बोल में निकाल रही हूँ मैं। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल और 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे वो इस वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ हम मिक्स कर देंगे और हल्के हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये वॉलनट्स जो हमने अभी काट के रखे थे और प्रेप करके रखे थे वो भी इसमें मिला देंगे और मिक्स कर देंगे। वॉलनट्स की जगह आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स सारे इसमें डाल सकते हैं, यहाँ तक कि आप हर तरीके के सीड्स भी, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स या पंपकिन सीड्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खजूर भी डीसीड करके उन्हें काट के इसमें डाल सकते हैं, बट क्योंकि हम होल व्हीट बनाना वॉलनट केक बना रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ आज वॉलनट्स डाल रहे हैं। वॉलनट्स की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस मिक्सचर को इस ग्रीस्ड ट्रे में डाल दूंगी बेक होने के लिए। इसको मैं अच्छे से टैप कर रही हूँ ताकि इसमें कोई एयर बबल्स अगर हो तो वो ना रहे। ऊपर से हम इसको टॉप करेंगे थोड़े से और वॉलनट्स के साथ। और अब मैं इसे अवन में डाल दूंगी बेक होने के लिए एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 40 मिनट्स। This time can vary depending upon the oven that you have. 35 minutes के बाद मैंने इसे oven से निकाला है and you know that the cake is done जब आपकी knife या toothpick एकदम clean बाहर निकलती है. Look at that. This is done. इसको हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसके sides loosen out करके इसको हम निकाल लेंगे इस baking dish से. ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है,
परफेक्टली बेक हुआ है ये। इसको सीधा कर लेती हूँ मैं प्लेट के ऊपर। इसके स्लाइसेस कट कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए आपकी शाम की कॉफी के साथ। दिस इज अ वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन टू बी हैड बाय किड्स जो हमेशा केक की डिमांड करते रहते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो कि ये कैसे बना। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।